हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज के इस वीडियो में हम हीट यानी कि उष्मा चैप्टर से सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आज तक जितने भी रेलवे में हीट से यानी कि उष्मा से जो क्वेश्चन बने हैं सभी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप वीडियो को शांतिपूर्वक बस सुनिए और इसका नोट बनाते चलिए। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया है सेंटीग्रेड जो तापमापन के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है, यानी कि किसके नाम पे सेंटीग्रेड रखा गया। केल्विन के नाम पे, जीन पियर क्रिश्चियन के नाम पे, मॉर्टेन स्ट्रोमर के नाम पे, एंडरसन सेल्सियस के नाम पे। तो जैसा कि आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं कि सेंटीग्रेड किसके नाम पे रखा गया है, तो ये एंडरसन सेल्सियस के नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, शून्य डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फारेनहाइट के बराबर होता है। तो आपको पता होगा शून्य डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन पढ़िए, 100 फारेनहाइट के बराबर, 30 फारेनहाइट के बराबर, या 34 फारेनहाइट, या 32 फारेनहाइट। तो जो जीरो डिग्री होता है, जीरो डिग्री सेल्सियस या जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, ये 32 फारेनहाइट के बराबर होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है, 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है औसत तापमान, ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इसलिए आप शांतिपूर्वक वीडियो को देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य ताप से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, वायरल के रूप में, हाइपोथर्मिया के रूप में, पायरेटिक के रूप में, या हाइपोपायरेक्सिया के रूप में। तो देखिए, जब मानव शरीर का तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 8 डिग्री फारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को कहा जाता है हाइपोथर्मिया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं पांचवें नंबर पे। पांचवा नंबर का क्वेश्चन दिया है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में देखा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होता है कि तापमान पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्ण का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर है, लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। तो अगर आपको पता होगा बैड कंडक्टर कौन है यहाँ पे, तो जो लकड़ी है ये बहुत ही बैड कंडक्टर यानी कि उष्मा का कुचालक है लकड़ी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन पे। सातवां नंबर का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, आपको सही कथन बताने हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ जाती है, ये गलत है, आपको सही बताना है। तापमान और ऊंचाई एक दूसरे के अलग हैं, ये भी गलत है। तापमान और ऊंचाई एक दूसरे के अलग अलग, ये गलत है। जो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है, अधिक ऊंचाई पर तापमान एक जैसा रहता है, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र कोण मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दाब मापी का, थर्मामीटर का, आर्द्रता मापी का, या तरल मान का। तो देखिए, यह जो आर्द्रता मापी जो होता है, इसे हम आर्द्रता मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नाइन नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है, कार्बन का, मरकरी का, आर्सेनिक का, या कैडमियम का। तो
पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व यानी कि मरकरी जो तत्व है ये प्रकृति रूप से अत्यंत जहरीला तत्व होता है, इसका प्रयोग किया जाता है पारंपरिक थर्मामीटर में। एक चीज और दोस्तों, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10th नंबर पे दिया है, गर्मी सीधे से संदर्भित नहीं होती, थर्मल ऊर्जा का मापन, अणु गति, विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से स्थानांतरण, या पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण के कारण। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होता है, बाकी जो गर्मी है ये अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हस्तांतरण और पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण के से संदर्भित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 11th नंबर। 11th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको यहाँ पे सिद्धांत बताना है किसका, रेफ्रिजरेटर का। तो ओस्मिसिस, केंद्रापसारण, फैलाव या वाष्पीकरण। तो जो रेफ्रिजरेटर है ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 12th नंबर। 12th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल पदार्थ के वाष्पीकरण का सिद्धांत का प्रयोग में किया जाता है, किसके प्रयोग में किया जाता है गर्मी अवशोषित करने के लिए, माइक्रोवेव का, रेफ्रिजरेटर का, गीजर का या इलेक्ट्रिक केतली का। तो आप सभी को पता होगा कि हम गर्मी अवशोषित करने के लिए यानी कि हमारा सामान अच्छा रहे, सुरक्षित रहे और ठंडा रहे, किसका इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 13th नंबर का क्वेश्चन दिया है, क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है, ये कम तापमान को, उच्च तापमान को, कम दबाव को या उच्च दबाव को। तो यहाँ जो क्रायोजेनिक होता है ये कम तापमान को दर्शाता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 14th नंबर। 14th नंबर का क्वेश्चन दिया है, परम शून्य तापमान किसको दर्शाता है, यानी कि परम शून्य तापमान किसको दर्शाता है ये आपको बताना है। तो शून्य से 273 डिग्री कम यानी कि जिसे हम -273 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है परम शून्य तापमान, जिसे हम केल्विन पैमाने पे 0 केल्विन लिख सकते हैं। तो 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम परम शून्य तापमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 15th नंबर। 15th नंबर का क्वेश्चन दिया है, पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था। तो आधुनिक माइक्रो ओवन को क्या कहा जाता था, ये राडा रेंज कहा जाता था आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 16th नंबर। 16th नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको माइक्रो ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी का उपयोग क्यों करना चाहिए ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं, चार धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने पर खतरा रहता है, इसलिए माइक्रो ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 17th नंबर। 17th नंबर का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है, आपको अभिकथन और कारण दोनों पढ़िएगा, उसके बाद अपना आंसर भी बताइएगा। अभिकथन में दिया है, यह देखा गया है कि भैंसें गर्मियों के दौरान पानी में रहती हैं, और कारण इसका दिया है कि पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ए बी सी डी में बताना है, ठीक है 17 का। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है, ये गलत बोल रहा है। यहाँ पे क्या है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है, और कारण जो अभिकथन की उचित व्याख्या भी करता है। देखिए हमारा जब शरीर यानी कि अपना भी शरीर हो, जब हम डेली क्यों नहाते हैं कि अपने शरीर का तापमान मेंटेन रखें, ऐसे गर्मियों में भैंसें जो होती काली रंग की होती हैं उनके अंदर ऊष्मा अवशोषण का गुण अधिक होता है, इसलिए अपने शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखने के लिए ये पानी में रहती हैं और इनका शरीर ठंडा रहता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 18th नंबर।
18 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको बताना है। पहले अभिकरण पढ़िए। दिया हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनना पसंद करते हैं? सफ़ेद कपड़ा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक हैं। यहाँ पे देखिए दोनों सही हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। तो देखिए दोनों सही हैं और देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की उचित व्याख्या भी करता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे सर्दियों में बोला है ना, तो सर्दियों में हम कैसा कपड़ा पहनते हैं? सॉरी थोड़ा गलत हो गया, माय मिस्टेक। यहाँ पे सर्दियों में हम सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते, ब्लैक कपड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि ये गर्मी का ज़्यादा अवशोषक होता है। सफ़ेद कपड़ा गर्मियों में पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम सर्दियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक है। तो यहाँ पे गलत है, ये गलत है, लेकिन आर सही है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए हम सर्दियों में इसका पहनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। सॉरी ये माई मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 19 नंबर। देखिए दिया है नीचे एक अभिकथन और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए जो दिया है, हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं, और दूसरा जो कारण दिया है पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है। तो आपको ऑप्शन पढ़ के करेक्ट आंसर बता रहे हैं। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए ये क्या कह रहा है, हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं, बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, ए तो गलत है, ये तो समझ में आ रहा है। और बी पढ़ लीजिए, पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है, ये गलत है। पसीना आर्द्र जलवायु में जल्दी से नहीं सूखता है, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन पे देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल ए भी गलत है, और करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, ए और आर दोनों गलत हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस नहीं करते हैं, हमें गर्मी होती है तो हमें बेचैनी हो जाता है, और पसीना जो है आर्द्र जलवायु में जल्दी नहीं सूखता। आर्द्र जलवायु का मतलब है कि हमारे वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक होता है, तो उस समय पसीना जल्दी से नहीं सूखता। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 19 के बाद 20वें नंबर पे। 20 नंबर का भी क्वेश्चन सेम है। दिया है नीचे एक अभिकथन और एक कारण आर दिया हुआ है। आपको अभिकथन और आर दोनों पढ़ के आंसर बताना है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस के अभिकथन जो है, 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे का इस्तेमाल किया जाता है, एल्कोहल की जगह थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और इसका कारण दिया हुआ है, एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होती है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आप ढूंढिए, चारों ऑप्शन को दे दे रहा हूँ। चलिए पहले यहाँ पे देखिए, ए जो ऑप्शन दिया है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। देखिए यहाँ पे जो है दोनों सही हैं, 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है, एल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है, ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही होंगे, और आर ए की व्याख्या भी करता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 21 नंबर। दिया है यहाँ पे हीट से संबंधित भौतिकी विज्ञान को की शाखा को क्या कहते हैं? जो हीट से संबंधित हो, ऊष्मा से संबंधित हो, उसके विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को क्या कहा जाता है, ये आपको आंसर बताना है। ऑप्शन जो दिया है, ऑप्टिक्स, एकाउस्टिक्स, या थर्मोडाइनामिक्स, या रिलेटिविटी। तो देखिए जो थर्मोडाइनामिक है, ये हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 22 नंबर। दिया उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन या इवेपोरेशन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपोजिशन, जो सीधे ठोस वस्तु से परिवर्तित हो जाता है ना, गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है, उसे डिपोजिशन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है इनमें से कौन सी गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, कंडक्टिव, रेफ्रिक्टिव या रेडिएटिव या कन्वेक्टिव। तो देखिए गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, यहाँ पे जो है ये रेफ्रिक्टिव जो है ये गर्मी से संबंधित नहीं है, बाकी कंडक्टिव, रेडिएटिव और कन्वेक्टिव ये सभी गर्मी के प्रवाह से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 24 नंबर में। दिया है हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा होने का कारण क्या होता है। तो हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाने का कारण होता है कि यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, जो पानी जब जल से बर्फ बनता है यानी कि द्रव से ठोस अवस्था में आता है तो उसके आयतन में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, जिसके वजह से पानी का पाइप फट जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 25 नंबर पे। दिया गर्म शीशों को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनिलिंग, ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसेशन या डिकंडेंसेशन। तो यहाँ गर्म शीशों को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो एनिलिंग कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इस प्रकार जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि हीट यानी कि ऊष्मा से बने थे मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल पर नए हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे जो कि लाइट यानी कि प्रकाश का होगा।